लो भाइयों, इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज के दिन यहाँ पर स्पाइस आइसले टी10 का मैच नंबर 8 होगा, जो खेला जाएगा क्लो चैलेंजर्स वर्सेस सिनामोन पेसर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है भाइयों, कि अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पर जो पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी के सारी यहीं पर आएंगे। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो मैच जो है सेम वेन्यू पर खेला जाएगा, 6 मैचेस हो चुके हैं, 3 जीते, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 1 मैच हेज हुआ है और 2 मैच यहाँ पर नो रिजल्ट रहे हैं। तो ये मान के चलो कि बैटिंग फर्स्ट जो टीम करेगी उसको यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, एवरेज स्कोर 100 से 130 के बीच में यहाँ पर बनता है। अब देखो, पहले बात कर लेते हैं क्लो चैलेंजर्स की टीम की। तो क्लो चैलेंजर्स की जो टीम है ना, लास्ट मैच में अगर आप देखोगे, ओपन किया डिवाइन स्मिथ और जावेद हजार्ड, फिर आए डेरन नेड, हैस्टन जैक्सन, केलिस एंड्रयू, प्रेस्टन मैक्सविन, डेरन हेपोलाइट, किट मुर्रे, अमिकेल डुबिशेट, मार्केल बैप्टिस्ट और केल्विन ब्लाके। तो ये इनके टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ में अपन स्टैट्स भी देखेंगे, जिससे अपन को क्लियर हो जाएगी कि कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनकी जो टीम है, लास्ट मुकाबला यहाँ पर जीती थी। ओपनिंग यहाँ से अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखो, डिवाइन स्मिथ और उनके साथ में जावेद हजार्ड ने ओपनिंग किया था। अब देखो यहाँ पर डिवाइन स्मिथ की बात करूँ तो इन्होंने 52 रन की बहुत अच्छी नॉक पहले मैच में खेली। जावेद हजार्ड 39 रन भी किए, साथ के साथ ध्यान रखना ये आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगा, तो बहुत अच्छा पिक आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ पर बात करें डेरन नेड की, तो 15 रन किए, 2 ओवर डाले, हालांकि विकेट लेस था, लेकिन डेरन नेड एक सबसे बेहतरीन सीबीसी का चॉइस है। आप देखो 40 टी10 में 794 रन, 28 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1-0 विकेट, 55 2 विकेट, 73 2 विकेट, 65 0 विकेट है, बहुत बढ़िया प्लेयर है ये। हैस्टन जैक्सन 2 रन 1 विकेट, बढ़िया प्लेयर है, 31 मैच में 184, 29 विकेट है। केलिस एंड्रयू 8 ही रन कर पाए थे यहाँ पर। फिर आएंगे यहाँ से प्रेस्टन मैक्सविन, 1 विकेट इनको मिला था 2 ओवर डाल के, 13 मैच में 9 विकेट इनके नाम है 25 ओवर डाल के। तो यहाँ से जो मेन प्लेयर है ना मेरे हिसाब से, वो है देखो, डिवाइन स्मिथ है, जावेद अजार्ड है, डेरन नेड है, हेस्टन जैक्सन है और यहाँ से प्रेस्टन मैक्सविन। इन प्लेयर को तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से ड्रॉप नहीं करना चाहोगे, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो प्लेयर है यहाँ पर उनकी बात करें तो डेरन हिप्पोलाइट है। टीम अगर इनकी पहले बॉलिंग कर रही है, आप इस बंदे को जरूर रखो, 1 ओवर डाल के इसके नाम लास्ट मैच में 1 विकेट था। फिर आएंगे यहाँ से क्रिट मुर्रे, 2 विकेट इनको मिले, बहुत बढ़िया बॉलर है ये। अमिकेल डुबिसेट 1 ओवर डाल के विकेटलेस थे 28 मैच में, हालांकि इनके नाम 29 विकेट है, तो अगर स्मॉल लीग में ना सही लेकिन आप इस बंदे को ग्रैंड लीग में रख सकते हो, बहुत अच्छा प्लेयर है ये भी। फिर आएंगे यहाँ से मार्कल बैप्टिस्ट, 9 बैटिंग रहे थे और केल्विन ब्लाक के भी 9 बैटिंग यहाँ पर रहे थे। तो यहाँ से देखो, क्रिट मुर्रे तो मोन बॉलर रहेगा क्योंकि लास्ट मैच में अच्छा किया है, लेकिन यहाँ से हिप्पोलाइट भी अच्छा बॉलर है और अमिकेल डुबिसेट को भी आप कुछ ग्रैंड लीग की टीम में जरूर रखना, क्योंकि अगर पूरे ओवर इसको मिले तो बंदा परफॉर्मेंस करके देगा। ये इनके बेंच के प्लेयर्स हैं। लास्ट मैच में स्टार्टिंग ओवर डाले पी मैक्सविनी, एच जैक्सन, डेरन नेड, डेथ मैच डेरन नेड, एच जैक्सन और डी हिप्पोलाइट यहाँ पर डेथ के अंदर बॉलिंग करवाने आए थे, ये चीज आप ध्यान में रख के चलेगा। अब यहाँ पर देखो, बात कर लेंगे जो दूसरी टीम है उसके प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की। तो सिनामोन पेसर्स की जो टीम है, लास्ट मैच में इनकी तरफ से ओपन किया सिनले रेगिस और यहाँ से निकोलस एस्टी हिलेरी, फिर आए कायरन कटोए, जूनियर हेनरी, रियान जोन, यहाँ से सी फोरस्ती, सैरमन लेविस, जेरोन नोइल, यहाँ से डियान जॉर्ज, नरुन सिंह और क्रिस्टन मुर्रे। तो ये इनकी टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। स्टैट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनकी टीम की तरफ से, तो 2 मैच खेली इनकी टीम, 1 जीती है और 1 हारी है। पहले बात करेंगे सिडले रेगिस की, पहले मैच में 3, दूसरे में 57 रन की बढ़िया पारी खेली थी। टी10 का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा प्लेयर आपके लिए रहेगा। एंड एसटी हिलेरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके नाम अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, पहले मैच में 45 है, दूसरे मैच में इसके नाम 14 रन है, बढ़िया रिकॉर्ड है। कायरन कटोए पहले में 51 0 विकेट, दूसरे में 24 है, बॉलिंग एक ही मैच में करवाई लेकिन बैटिंग से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जूनियर हेनरी 9 बैटिंग और 0 है, प्लेयर बहुत शानदार है लेकिन अब तक मौका नहीं मिला है। रियान जोन 2 मैच में 4 ओवर डाल के विकेटलेस, बल्ले से 2 और 13 है, बॉलिंग करा रहा है लेकिन विकेट इसको नहीं मिल रहे हैं। सी फोरस्ती 9 बैटिंग और 0 है। तो यहाँ से अच्छे प्लेयर कौन हुए, सिनले रेगिस, एन स्टेहलेरी, कायरन कटोए, इनके अलावा रियान जोन, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप टीम में ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्लेयर है सैरमन लेविस है, बॉलिंग करवा रहा है, 2 मैच में 3 ओवर डाल के 2 विकेट है,
इसके नाम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 31 मैच में 18 विकेट है। जेरन नोयल के नाम 2 मैच में 3 विकेट है, ये भी बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर करवा रहा है। फिर आएंगे यहाँ से डियान जोर्ज, 2 मैच में 1 विकेट है। और यहाँ पर नरुण सिंह, पहले मैच में 2 विकेट मिले, दूसरे में बॉलिंग नहीं करवाई थी। और के मुर्रे, 2 मैच में यहाँ पर 3 विकेट है। तो यहाँ से ये जो 3 है ये इनके मेन बॉलर है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी इनके बेंच के प्लेयर्स हैं, लास्ट मैच में इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डाले एस लेविस, आर जॉन, जे नोयल, और डेथ के अंदर यहाँ पर कौन आया था, डेथ के अंदर यहाँ पर बॉलिंग करवाने आए थे डी जॉर्ज और आर जॉन, यहाँ पर डेथ के अंदर बॉलिंग करवाने आए थे। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन होना जरूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट यहीं पर आएंगी। फिलहाल के लिए डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से जे हजार्ड को रखा है, एन एस्ट्रेलिया के कटोए, सिंडली रेगेस, ड्वेन स्मिथ, डेरन नेड, हेस्टन जैक्सन, के मुर्रे, पीटर मैक्सविनी, जे नोयल, के मुर्रे को यहाँ पर रखा है, कैप्टन मेरे डेरन नेड, वाइस कैप्टन जे हजार्ड। बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।